आज मुझे अपने बीच में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, दिल्ली में हम लोग देखते हैं, दिल्ली बहुत बड़ा शहर बनता जा रहा है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। यहाँ पे आपके ई ब्लॉक जीके में आके ऐसे लग रहा है जैसे आप सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, पूरा ई ब्लॉक एक फैमिली की तरह है। भगवान करे आप सब लोग इसी तरह से हंसी खुशी रहते रहें, सब लोग मिलके इसी तरह से रहते रहें। इट इज़ अ रेयर साइट टू सी इन दिल्ली। एक्चुअली दिल्ली में इस तरह से देखने को कम ही मिलता है कि किसी कॉलोनी के लोग इस तरह से इकट्ठे होकर आपस में सेलिब्रेट करते हैं। आज जितने बच्चों को अवार्ड मिला है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हों, आप बड़े होके अपने माँ बाप के सपने पूरे करें और देश की खूब सेवा करें। काकरिया साहब से बहुत पुरानी दोस्ती है, वो जब भी बुलाते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ ज़रूर। मुझे याद है जब मैं चुनाव के टाइम पे आया था, चुनाव से पहले, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिमांड थी कि अगर आप जीत जाएं तो BRT कॉरिडोर तोड़वा दीजिएगा। हमने अपना वादा पूरा किया। BRT कॉरिडोर से सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम थी। उसके बाद काकरिया साहब के साथ बिजली कंपनियों पे हम लोग खूब काम करते रहते थे और पिछले 3-4 साल में उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। पूरी दिल्ली में अब ऑलमोस्ट सब जगह कुछ एरियाज को छोड़ के नाउ वी हैव अ 24-आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑल ओवर दिल्ली। और इसकी स्टेटिस्टिक्स मैं देना चाहता हूँ कि जब हमने टेक ओवर किया था उस साल, द प्रीवियस ईयर, 11.5 करोड़ यूनिट के पावर कट्स लगे थे और पिछले साल केवल 1.5 करोड़ यूनिट के पावर कट्स लगे हैं। सो द पावर कट्स इन दिल्ली हैव बिकम वेरी नेग्लिजिबल नाउ। लोग, मुझे लगता है, इन्वर्टर खरीदना और जनरेटर खरीदना अब लगभग भूल गए हैं। बैटरी की कई सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं, मुझे बताया गया। सो बिजली में काफ़ी सुधार हुआ है, पानी में काफ़ी सुधार हुआ है, स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, अस्पतालों में खूब सुधार हुआ है। सबसे बड़ा, अभी मैं आपकी डिमांड्स पढ़ रहा था, मुझे बेहद खुशी हुई है पढ़ के कि जीके के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक इज अ सरकारी डिस्पेंसरी। अभी तक लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाना नहीं चाहते थे। सरकारी डिस्पेंसरी की दीवारें टूटी होती थी, जाले लगे होते थे, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट काम नहीं किया करता था, वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं आते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी। और आज अगर ग्रेटर कैलाश के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी वहाँ पे पश्चिम विहार गया था थोड़े दिन पहले, पश्चिम विहार में एक पॉली क्लिनिक बना है दिल्ली सरकार का। तो जिस एरिया में पश्चिम विहार में पॉली क्लिनिक बना है वो इट्स अ वेरी वेल ऑफ एरिया, आप ही लोगों की तरह है। सो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं वहाँ पे वैसे ही सरप्राइज विजिट के लिए अंदर चला गया। अगर मैं पहले से कह के जाता तो वो सारी तैयारी वगैरह करके रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो सारा ठीक ठाक, मैं वैसे ही सरप्राइज के लिए अंदर घुस गया। और मुझे इसी तरह से आप ही जैसे लोग वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा, सर जिस किस्म की फैसिलिटी फोर्टिस और मैक्स में मिलती है वही एनवायरमेंट अब दिल्ली सरकार के पॉली क्लिनिक्स और मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर मिल रहा है। तो जब मिडिल क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पतालों में जाने लग जाएं, उससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि इनका सुधार हो गया। तो ये वाली सारी चीजें चल रही हैं। आज मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहता हूं दिल्ली को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन लगती नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है सारे लोग, विदेशों में खूब घूमते हैं। जब आप लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, टोक्यो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं, वहाँ इतना खूबसूरत शहर है, उनके सब कुछ इतना साफ सुथरा दिखाई देता है, पर दिल्ली में बड़ी गंदगी है कि नहीं है? दिल्ली में ऐसे नहीं लगता कि देश की राजधानी है, ऐसी फीलिंग नहीं आती है।
सो इसके ऊपर अब हम काम करना चाहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। सफाई एक ऐसी चीज है जिसकी मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। अब एमसीडी में हम है नहीं, एमसीडी तो वो देखेंगे, लेकिन चार पांच चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहली चीज, दिल्ली की जितनी सड़कें खराब है उसको हम मिशन मोड के अंदर, वॉर फुटिंग के अंदर एक साथ दिल्ली की सारी सड़कें ठीक करना चाहते हैं। सो वी हैव सेट असाइड 1000 करोड़ फंड, 1000 करोड़ रुपए का हमने फंड बनाया। किसी भी एजेंसी की सड़क हो, अब ये नहीं होगा ये एमसीडी की है, ये इसकी है, किसी भी एजेंसी की सड़क हो, आप सौरभ जी को पकड़ लीजिएगा एंड ही शुड बी एबल टू गेट इट डन फॉर यू। पर 1000 करोड़ ही है उस, सो दैट्स नंबर वन। सड़कों के ऊपर अपने को, ये वाली तो फिर भी हम देखते हैं, दिल्ली के ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे सड़कें एग्जिस्ट ही नहीं करती, गलियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। बारिशों के अंदर यहां यहां तक पानी, घर से बाहर निकलो तो यहां यहां तक पानी कीचड़, इतना गंदा है, तो लगता नहीं है कि दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने ये फंड इसीलिए रखा है कि अब चाहे किसी भी एजेंसी का काम हो, एमएलए अगर रिकमेंड करेगा तो वो काम तुरंत, वो वाली सड़क तुरंत बना दी जाएगी। तो मुझे लगता है इसी तरह से अगर हम 2-3 साल इतना फंड रखेंगे तो 2-3 साल के अंदर कम से कम सारी दिल्ली की सड़कें जो हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने हमसे एक पेड़ लगवाया था, एक पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, तो टोकन था, सिंबोलिज्म था, वहां पे एक मेरा बोर्ड लग गया कि केजरीवाल जी ने ये पेड़ लगाया। 8 सितंबर को हम लोग एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, जैसे ऑडिवन किया था, ऑडिवन सक्सेसफुल हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। ऑडिवन करने के पहले मैंने गूगल पे खूब सर्च किया था, खूब स्टडी किया था, पूरी दुनिया में जहां जहां ऑडिवन हुआ था वहां पे फेल हुआ था। दिल्ली वाज इज द ओनली सिटी जहां पे ऑडिवन सक्सेसफुल हुआ था, और उसका केवल और केवल एक ही कारण था कि जनता ने खूब अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। अब 8 सितंबर को हमारा टारगेट है, एक दिन के अंदर हम लोग 5 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं। वो केवल तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। सो उस दिन सबको जिम्मेदारी लेनी है, एक एक पेड़ लगाएंगे ना, जरा हाथ खड़े कर दीजिए जैसे लगाएंगे। सो एक एक पेड़ लगाने की जिम्मेदारी सबको लेनी है। तो एक पेड़ नहीं, वो उस दिन 5 लाख पेड़ लगाएंगे, और उसके बाद ये वॉर फुटिंग के ऊपर आने वाले समय में डेली कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दिल्ली के पोल्यूशन से हम लोग निजात पा सके। दूसरा, अभी जो आपने पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी का बताया, अभी हम बहुत जल्दी पॉलिसी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आने वाली है कि पर एकड़ के हिसाब से हम आपको 1,80,000 रुपए देंगे। सो अभी आपने बताया ये 2 एकड़ का, रफली 2 एकड़ का पार्क है, तो आपको 3.5 लाख रुपए अगेंस्ट 90,000 दैट यू गेट टुडे। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको पानी के लिए यहाँ पे मिनी एसटीपी प्लांट लगाने के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा ताकि आपको बोरिंग ना करनी पड़े एंड आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको अभी हम पायलट बेसिस पे 2-3 पार्क्स में मिनी एसटीपी को ट्राई कर रहे थे जिसकी वजह से ये देर हो गई। दिल्ली में 18,000 पार्क हैं, 18,000 पार्क्स। अभी दिल्ली में लगभग 250 आरडब्ल्यूए मिलके 1200 पार्क्स को मेंटेन करती हैं, और जो पार्क्स आरडब्ल्यूए मेंटेन करती हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, जहां जहां आरडब्ल्यूए मेंटेन कर रही हैं, और जहां जहां सरकार और एमसीडी मेंटेन कर रही हैं वो सारे बहुत खराब हैं। तो हमने डिसाइड किया ये सारे के सारे पार्क्स, 18,000 पार्क्स हम आरडब्ल्यूए को और एनजीओ को हैंड ओवर कर देंगे। सो सरकार आपको पैसा देगी, सरकार आपको पानी देगी, आप लोग, आपके पार्क्स हैं, आप घूमते हैं, आपके बच्चे खेलते हैं इन पार्क्स के अंदर, आप इनको मेंटेन कीजिए। और मुझे लगता है अगर 18,000 पार्क दिल्ली के अंदर हरे भरे और खूबसूरत हो गए तो दिल्ली विल बी नोन एज अ सिटी ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स। सो वो दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं। तीसरा, दिल्ली की जितनी सड़कें हैं, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर पहले
आपको दोनों तरफ कितनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग दिखाई देती है, दिखते है कि नहीं दिखते? मेरे मन में कई बार आता था कि ये पूरी दिल्ली में ऐसी लैंडस्केपिंग क्यों नहीं हो सकती। सो अभी इसको भी हम लोगों ने PWD के जरिए, हमारी कोशिश है कि इस बार करीब 150 से 200 किलोमीटर सड़कों पे इसी किस्म की लैंडस्केपिंग की जाए। और बड़ी बड़ी सड़कें दिल्ली में लगभग 500 किलोमीटर, मुझे लगता है 2 साल के अंदर जो बड़ी सड़कें हैं दिल्ली की उनके दोनों तरफ यू विल सी सिमिलर काइंड ऑफ लैंडस्केपिंग एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड ग्रास, एंड वो आपको दोनों तरफ उसके दिखाई देंगी। इन एडिशन टू दैट, लास्टली हम 200 लेक्स रिज्यूविनेट कर रहे हैं, जो लेक्स डेड हो चुकी थी, सूख गई थी, उसमें अब सीवर का पानी पड़ा हुआ है, उनकी सफाई करा के हम 200 के करीब लेक्स जो हैं उनको रिज्यूविनेट कर रहे हैं। अगली बार MCD में अगर आप वोट देंगे तो साफ सफाई भी कराएंगे। थैंक यू सो मच।